हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मंजू बाला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम एमएससी सेम 3 की एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन Fe+3 प्लस थायोसाइनेट SCN- गिव्स यू फेरिक थायोसाइनेट। ये जो हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली हम निकालेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए कि कोई भी रिएक्शन, जैसे कि हमारा यहाँ पे फेरिक आयन है, थायोसाइनेट आयन है, और इससे हमको कॉम्प्लेक्स मिल रहा है फेरिक थायोसाइनेट प्लस टू। तो इस रिएक्शन के लिए हम, अगर हम फेरिक आयन का सॉल्यूशन देखें एक्वस फॉर्म में, हम उसका कोई भी हम मोलारिटी जो हम बना रहे हैं, सपोज 0.001 बना रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसका कलरलेस हमको फील होता है। वैसे वो पेल येलो होता है, पर क्योंकि डाइल्यूशन के बाद वो जो है कलरलेस ही हमको दिखता है। थायोसाइनेट आयन का सॉल्यूशन भी कलरलेस है, पर जब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये रेडिश ऑरेंज कलर होता है। और स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे पास कोई कलर्ड सॉल्यूशन होगा तभी हम उसकी स्टडी जो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली कर सकते हैं। अब हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, दैट विल बी द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन अपॉन द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। और अगर हम 25 डिग्रीज पर हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, अब बच्चों जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल इसमें हम काम में लेंगे वो हमारा बियर लैम्बर्ट लॉ ही है, जो कि हमारा, हमें पता है ए इज इक्वल टू ई बी सी, या हम ई बी एक्स लिख देते हैं। एक्स जो है वो कंसेंट्रेशन है, तो यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन का टर्म हो जाएगा वो एब्जॉर्बेंस ए अपॉन ई, दैट इज़ द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, इनटू बी, दैट इज़ द पाथ लेंथ के बराबर हो जाएगा। पाथ लेंथ जो है हमारी वो 1 के बराबर हम लेते हैं, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है वो x इज इक्वल टू ए अपॉन ई रह जाता है। अब बच्चों, कभी भी हम किसी की भी स्टडी जब करते हैं, कोई भी हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि उसका लैम्डा मैक्सिमा क्या है। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सी जो है लैम्डा पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लाइट का होता है, तो ये 446 हमारा नैनोमीटर होता है। हमें पता है जो हमारा विजिबल रीजन है वो 400 to 700 हम नैनोमीटर लेते हैं, तो और इसका जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है ई मैक्सिमा, दैट इज 4860 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। अब जैसे कि हमको दिख रहा है, अगर हम एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमें जो है वो लैम्डा मैक्सिमा 446 नैनोमीटर पर मिल रहा है। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है कि जब भी हमको किसी भी सॉल्यूशन का लैम्डा मैक्सिमा कैलकुलेट करना होता है तो हम उसकी जो है डिफरेंट जो है उसका सॉल्यूशन लेते हैं, और फिर हम वेवलेंथ जो है वो वेरी करते जाते हैं और एब्जॉर्बेंस जो है मेजर करते जाते हैं। तो जिस वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम हमको ये पीक मिलती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, वो उसके लैम्डा मैक्सिमा होता है। अब बच्चों, आगे जो है हमको जो है कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो जो हमारा रिएक्शन है उसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, सपोज ये 0.001 है, पॉइंट सेम भी हो सकती है, या जो भी हमको लेनी है कंसंट्रेशन, सपोज़ ये C0m है और ये C0-m है, मोलारिटी m फॉर मोलारिटी है, मोलर सॉल्यूशंस है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो इनिशियल स्टेज पे 0 मोलर होगा, पर धीरे धीरे टाइम के साथ जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा जो है A-x, हम जैसे बोलते हैं A अगर इनिशियल कंसंट्रेशन है तो A-x, तो ये आपका C0-x जो है, मतलब चेंज जो होगा वो -x - x + x हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम जो हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी वो C0-x, C0-x और x के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा जो है, हमने सेट जो है वो मतलब हमको जो रिएक्शन है हमारा, उसका हमने देखा कि
कि इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे। अब बच्चों हमारे पास जो के या के सी जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया है उसका मान वापस से प्रोडक्ट अपॉन इनिशियल आपका जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है, तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है उसकी x है, और नीचे हमारा C0 माइनस एक्स और C0 डैश माइनस एक्स जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस जो है हमारी हो जाएंगे। ये हमारी जो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हम जो है डिफरेंट सेट्स ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बना देंगे, जो हमारा फेरिक आयन है और जो थायसाइनेट आयन है इनको मिक्स करके वाटर के साथ हम चार सेट बना लेते हैं, जिसमें कि फेरिक आयन की जो है हम कांस्टेंट कंसंट्रेशन रख रहे हैं, इसका हम 5 ml ही ले रहे हैं, और SCN का जो है 4321 milliliters हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, और वाटर का हम 1234। इस तरह से हमने 10 ml का मिक्सचर जो है वो बनाया है। अब बच्चों हमको पता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी हमारा एब्जॉर्बेंस जो है कलर, जैसे जैसे हमारा डार्क होता जाएगा हमारी एब्जॉर्बेंस भी इंक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पर हम डिक्रीजिंग इसमें लिख रहे हैं तो हमारी कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस भी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। और जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो हम देखेंगे कि चारों के लिए जो है वो वैल्यू हमारी कांस्टेंट आएगी। तो हमने इसमें चार सेट बनाकर हम अपना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कैलिब्रेट कर लेते हैं डिस्टिल वाटर के साथ, ज़ीरो सेट कर लेते हैं, वो आपको हमने बताया हुआ है कि कैसे ज़ीरो सेट करना है, और एब्जॉर्बेंस मोड पर जाके और फिर हम लैम्डा मैक्सिमा को जो है वो फिक्स कर देते हैं 446 नैनोमीटर। और सबसे पहले जो है हम जो रीडिंग्स लेंगे वो सबसे फर्स्ट सेट के हम रीडिंग लेंगे, अच्छे से उनको मिक्स कर लेंगे उसमें जो है कैप लगा के, और उनको अच्छे से मिक्सिंग करके, और फिर उनकी हम एब्जॉर्बेंस वैल्यूज़ जो है नोट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो है एब्जॉर्बेंस वैल्यू जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। अब हमको पता है कि जो हमारी एक्स वैल्यू है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्बेंस अपॉन ई वैल्यू हो जाती है, दैट इज़ मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। तो इससे हम एक्स की वैल्यू जो है निकाल लेंगे, और फिर जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक्स अपॉन C0 माइनस एक्स, C0 डैश माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, इसमें इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, और हम देखेंगे कि जो मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ आएंगी वो सेम हमारी आएंगी। अब इसमें हम आगे जो है इसकी स्टोइकोमेट्री भी पढ़ सकते हैं, और हमको दूसरा रिएक्शन KI प्लस आयोडीन जो है गिव्स यू Ki3, उसका भी हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी मेथड से पढ़ सकते हैं। अब आप जो है ये प्रैक्टिकल जो है जब भी आएंगे इसको हम आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिकली करके पूरा हम दिखा देंगे, वैसे आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के और प्रैक्टिकल्स कर रखे हैं तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।